वेलकम बैक दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि बॉडी मूवमेंट कैसे करते हैं हमारे स्नेक 3D गेम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक प्रीफैब क्रिएट करना पड़ेगा हमारे बॉडी पार्ट का। हम राइट क्लिक करेंगे, हायरार्की में 3D ऑब्जेक्ट और स्फीयर सेलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये जो स्फीयर है हमारे स्नेक के बैक साइड में अटैच होता रहेगा। तो बेसिकली स्नेक का जो बॉडी पार्ट है वो इस तरीके से ग्रो होते रहेगा। तो सबसे पहले हमें इस स्फीयर का प्रीफैब क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम इस गेम ऑब्जेक्ट को एसेट में डाल देते हैं तो वो प्रीफैब बन जाता है। क्योंकि तो स्नेक का बॉडी पार्ट है, हमें स्नेक का मटेरियल भी इस पर ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली ड्रैग करिए, हमने इसे रिनेम कर दिया बॉडी। अभी आप सिंपली इसे ड्रैग करिए एसेट में, तो अभी ये प्रीफैब बन चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसे सिंपली डिलीट करिए। अगला स्टेप यह है कि हमें कोडिंग में जाके इस पर्टिकुलर प्रीफैब को कॉल करना है वन बाय वन। सो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने यहाँ तक का कोडिंग किया था, अभी हम इस पे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने जो प्रीफैब बनाया है उसे कॉल करेंगे। सो पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, इसे हम नाम देंगे बॉडी प्रीफैब। क्योंकि ये बॉडी प्रीफैब मल्टीपल रहने वाले हैं, काफ़ी सारे रहने वाले हैं, तो हमें एक लिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। सो बेसिकली लिस्ट का काम ये है कि वो मल्टीपल डेटा स्टोर करे एट अ टाइम। सो हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे विच विल बी ऑफ अ टाइप गेम ऑब्जेक्ट। सो लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट, इसे हम नाम देंगे बॉडी पार्ट्स इक्वल्स टू न्यू लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट। सिंपली हमने ये इनिशियलाइज कर दिया है। अभी हम एक कस्टम फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसे हम कहेंगे ग्रो स्नेक। तो चलिए क्रिएट करते हैं void। तो यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेंगे, गेम ऑब्जेक्ट बॉडी। सो बेसिकली हमारा जो बॉडी प्रीफैब है वो हम इंस्टेंशिएट करेंगे, स्पॉन करवाएंगे वहाँ पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, और उसका जो डेटा है वो हम इस गेम ऑब्जेक्ट बॉडी में स्टोर करेंगे। सो इंस्टेंशिएट बॉडी प्रीफैब। अभी ये जो गेम ऑब्जेक्ट है हम इसे लिस्ट में ऐड करते रहेंगे। बॉडी पार्ट्स जो कि हमारा लिस्ट है डॉट ऐड, और इसमें हम कॉल करेंगे बॉडी, और यहाँ पे हम कॉल करते हैं ग्रो स्नेक। तो अभी मैंने वन टाइम कॉल किया है, अगर आप मल्टीपल टाइम्स कॉल करोगे तो मल्टीपल टाइम प्रीफैब कॉपी होते रहेगा, क्लोन होते रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं ये कॉपी करता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 बार ग्रो स्नेक का फंक्शन कॉल किया है, इसका मतलब हायरार्की में यूनिटी के अंदर 3 क्लोन्स बनेंगे बॉडी प्रीफैब के। सबसे पहले हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यूनिटी में जाते हैं। अभी स्नेक पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमने वो स्क्रिप्ट यहाँ पे अटैच किया है। तो यहाँ पे बॉडी प्रीफैब पूछ रहा है, तो सिंपली हमने जो ये प्रीफैब क्रिएट किया था उसे ड्रैग करेंगे यहाँ पे, और अभी प्ले करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक दिख रहा है, बट अगर आपने हायरार्की में देखा तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 3 बॉडी क्लोन दिखेंगे आपको, क्योंकि हमने कोड में यहाँ पे 3 बार ये फंक्शन कॉल किया है। अब जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार ये क्लोन बनते रहेगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारा जो स्नेक है वो तो मूव हो रहा है, बट हमने जो ये बॉडी पार्ट्स के क्लोन बनाए हैं वो उसके पीछे मूव नहीं हो रहा है। तो हमें इसका कोडिंग करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम कोडिंग में क्या करेंगे, ये जो हम बॉडी प्रीफैब्स क्रिएट करेंगे उसे हम अलाइन करेंगे स्नेक के हेड वाले गेम ऑब्जेक्ट के पीछे। उसको ये लॉजिक देंगे कि वो हेड को फॉलो करते रहे। इसके लिए हमें जो स्नेक का हेड वाला पार्ट है उसका करंट पोजीशन जानना ज़रूरी है, जो कि अपडेट होता रहेगा जैसे जैसे हम गेम खेलते रहेंगे। तो इसके लिए हमें एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो लिस्ट वेक्टर 3 टाइप यूज़ करेंगे, इसे हम नाम देंगे पोजीशन हिस्ट्री न्यू लिस्ट वेक्टर 3। अपडेट फंक्शन में ना इस पोजीशन हिस्ट्री को अपडेट करेंगे। तो बेसिकली क्या करेंगे कि पोजीशन हिस्ट्री डॉट इंसर्ट, तो बेसिकली हम क्या इंसर्ट करेंगे, 0, transform.position, जो स्नेक का हेड वाला जो गेम ऑब्जेक्ट है उसका करंट पोजीशन, ये हम यहाँ पे डेटा स्टोर करते रहेंगे। इसके बाद हम एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं जो कि मल्टीप्लायर का काम करेगा। इंडेक्स इक्वल्स टू 0 फॉर ईच वेरिएबल बॉडी इन बॉडी पार्ट्स वेक्टर 3। तो बेसिकली हम एक पॉइंट, एक इमेजिनरी पॉइंट क्रिएट करें हर एक गेम ऑब्जेक्ट के पीछे। एग्जांपल लेते हैं कि पहला जो है हमारा स्नेक का हेड है उसके पीछे हम पहला बॉडी पार्ट अटैच करेंगे। तो जो स्नेक का हेड है उसके पीछे एक इमेजिनरी पॉइंट क्रिएट होगा, और उसके पीछे ही एक बॉडी का
जो फर्स्ट बॉडी है वो अटैच होगा। तो बेसिकली ये पॉइंट जो है हम पोजीशन हिस्ट्री के डेटा से ही यूज करेंगे। मेथड डॉट क्लैंप इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय, अभी हमें दो बॉडी पार्ट्स के बीच में पर्टिकुलर स्पेस देना पड़ेगा, ये स्पेस रहेगा इंटीजर वैल्यू का। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जाएंगे और इनिशियलाइज करेंगे एक पब्लिक वेरिएबल इंट, इसे हम नाम देंगे गैप, वो गैप हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली क्लैंप फंक्शन में हम वैल्यू सेट करते हैं और साथ ही साथ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी सेट करते हैं। मिनिमम वैल्यू हमेशा जीरो रहेगा और मैक्सिमम वैल्यू पोजीशन हिस्ट्री का जो काउंट है वो हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेंगे। तो लिखते हैं पोजीशन हिस्ट्री डॉट काउंट माइनस वन। अभी मैंने माइनस वन इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने मिनिमम जीरो रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस वन लिखा है। अगर हम यहाँ पे वन लिखते तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पोजीशन हिस्ट्री डॉट काउंट लिख देता। अगला स्टेप हम एक मूव डायरेक्शन क्रिएट करेंगे जो कि वेक्टर थ्री टाइप रहेगा। सो वेक्टर थ्री मूव डायरेक्शन, सो बेसिकली ये पर्टिकुलर डायरेक्शन क्रिएट करेगा इक्वल्स टू पॉइंट माइनस बॉडी डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। उसके बाद इस बॉडी को हम मूवमेंट देंगे बॉडी डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन प्लस इक्वल्स टू मूव डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय मूव स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम। हमारा जो ये बॉडी पार्ट है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होना चाहिए और साथ ही साथ रोटेट भी होना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डॉट लुक एट फंक्शन कॉल करेंगे। सो बॉडी डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट लुक एट और इसके अंदर हम लिखेंगे पॉइंट एंड फाइनली हम हमारा जो इंडेक्स वैल्यू है वो इंक्रीमेंट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे ग्रो स्नेक का जो फंक्शन है वो मल्टीपल टाइम्स कॉल करता हूँ ताकि एक बड़ा सा स्नेक आपको नजर आए। और कंट्रोल एस, लेट्स गेट बैक टू यूनिटी, यहाँ पे स्नेक पे क्लिक करेंगे। सो गैप का वैल्यू जो है वो 40 बेस्ट रहेगा और ये हम प्ले करके देखते हैं एंड लेट्स सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। और आप देख सकते हो कि हमने स्नेक का बॉडी पार्ट क्रिएट कर दिया है और बॉडी मूवमेंट भी हो रहा है काफ़ी स्मूथली। सो कुछ इस तरीके से हमने स्नेक का बॉडी मूवमेंट ऐड कर दिया है। अगले ट्यूटोरियल में हम स्कोर सिस्टम ऐड करेंगे हमारे स्नेक 3D गेम के अंदर। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट करिए, चैनल पे नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।